नमस्कार, आज हम 16 जून 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और हमारा पहला प्रश्न, किस मंत्रालय ने पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया है। इसका मेन पर्पस जितनी भी इम्पोर्टेड डोमेस्टिक गैस हैं उनकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेरीफाइड पहल समाचारों में है, यह किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UNDGC। UNDGC की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। यह वेरीफाइड इन्हीं का एक इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल स्पेस पर COVID-19 से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट इन्फॉर्मेशन है वह प्रोवाइड करेगा और जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनको रोकेगा। और यह 3 थीम पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि हैं साइंस, सॉलिडेरिटी और सॉल्यूशन। साइंस का मतलब टू सेव लाइफ, सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है कि लोकल और ग्लोबल दोनों ही मिलकर काम करें, और सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो इम्पैक्टेड पॉपुलेशन है उनके लिए सपोर्ट और एडवाइस एडवोकेट करना, मतलब उन्हें मदद प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने इन औषधीय पौधों के संरक्षण का संदेश देने के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है? आप इसे इंग्लिश में दे सकते हैं, एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन है। तो किसने अलाउ किया ये कॉम्पिटिशन? CSIR CIMPA। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक कंपनी है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है उसका, जिसकी पेरेंट कंपनी CSIR है। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। CIMAP ने अनाउंस किया है एक कंपटीशन जो कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का कंपटीशन होगा, जिससे इन मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व करने के लिए मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को कि आप भी इन सब चीज़ों को कंजर्व करें। और इस बार की थीम इन्होंने रखी है इस कॉम्पिटिशन की, नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। और CIMAP के बारे में जानते हैं, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में और इसकी लोकेशन है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किस संगठन के साथ भारत ने हाल ही में नीलगिरी के जंगल में भारतीय गौर का अनुमानित अभ्यास किया है? इसका सही आंसर है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। आइए इसके बारे में देखते हैं। इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड ने तमिलनाडु के नीलगिरी फॉरेस्ट में एक एक्सरसाइज की है जिसमें इंडियन गौर को एस्टिमेट किया है, और यह इस रीजन में पहली बार एस्टिमेशन किया गया है, और जिसमें लगभग 2000 गौर का पता चला है कि यहाँ पर लगभग 2000 गौर अवेलेबल हैं। और अब एक्चुअली हुआ क्या है, जब इन्होंने ये एस्टिमेशन किया तो इन्हें पता चला कि जो इंडियन गौर्स हैं वह म्यूटेशन फेस कर रहे हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रजाति या फिर कोई भी चीज़ जो अपनी ओरिजिनल, जो उसकी नेचुरल चीज़ है उसको चेंज करती जा रही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। और जो बदलाव होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? लो क्वालिटी डाइट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरनमेंट अल्टरेशन की वजह से, फॉलिकुलर डैमेज की वजह से। आइए हम थोड़ा सा गौर के बारे में जानते हैं, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में वह वल्नरेबल कैटेगरीज में आता है। और वर्ल्ड जो हमारा डब्ल्यू मतलब कि वर्ल्ड वाइड फंड का जो एक्ट है 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वह शेड्यूल वन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बंदर पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो मंकीज के लिए एक पार्क बना रहा है, क्योंकि जो यहाँ का एक जगह है मालनाड रीजन, यहाँ पर बंदरों के द्वारा बहुत एग्रीकल्चर और प्लांटेशन पर बहुत अटैक किया जाता है, तो वहाँ के लोग परेशान हो गए, जिसकी वजह से जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है वह उसने यह डिसाइड किया है कि वह मंकीज के लिए पार्क बनाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किस नाम से वायरस को मारने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मी बैन। जर्मी या गर्मी आप कुछ भी बोल सकते हैं, गर्मी बैन एक डिवाइस है जो कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ
इंडियन वोमेन एंटरप्रेन्योर्स हब के द्वारा डेवलप किया गया है। यह 99.9% तक जितने भी माइक्रोब्स हैं सरफेस के ऊपर उन सबको किल कर देगा, मार देगा, और यह मदद करेगा आइसोलेशन वार्ड्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में, हॉस्पिटल, जनरल प्लेसेस, ताकि जहां पर भी कोरोना वायरस के वायरस हैं उनको किल कर सकें, मार सकें। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए इंस्टांट फ्लैक्सी कैश ऑनलाइन ओडी सुविधा, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने अपने जितने भी सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ की है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पर उन्हें इंस्टांट पैसे मिल सकें। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए मलावी सरकार को 215.68 मिलियन डॉलर एलओसी स्वीकृत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक ने मलावी को लाइन ऑफ क्रेडिट 215.68 डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जो कि वहां के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मदद करेगा। आइए थोड़ा सा एक्जिम बैंक के बारे में जानते हैं। एक्जिम की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है, और जबकि यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 से बनी थी। आइए थोड़ा सा मलावी के बारे में जानते हैं, जिसकी कैपिटल है लियोंगे, और वहाँ की करेंसी है मालावियन क्वाचा, और वहाँ के प्रेसिडेंट है पीटर मुतारिका। अगला क्वेश्चन, किस दिन को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जून। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि जितने भी ओल्डर पर्सन हैं वो नेगलेक्ट और एब्यूज के बारे में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समाज में काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट और एब्यूज किया जाता है। और इस बार की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस। इसी के साथ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है सेफगार्ड ओल्डर पर्सन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। मतलब कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ओल्डर पर्सन को पड़ रहा है, तो उनको सेव करना। और कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और आप सभी के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण नामक एक चंद्र अभियान शुरू करेगा? और आप सभी इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हर बार की तरह कुछ ट्रू और फॉल्स, आप सभी भी इसको पोस्ट करके अपने ट्रू फॉल्स देख सकते हैं, और फिर उसके बाद मैच भी कर लीजिए। अगला जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राज परवा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल? जिसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि यह सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, अनमोल नारंग हैज बिकम द फर्स्ट सिख वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम US मिलिट्री अकेडमी? दिस इज अ ट्रू। अगला क्वेश्चन, कैथी सुलेमन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन? सही है, कैथी सुलेमन ही हैं जो डीपेस्ट पॉइंट पर गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पीके मोहंती कमेटी इज रिलेटेड टू कैश क्रेडिट कार्ड? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इसका सही आंसर है कि जो पीके मोहंती कमेटी है वह है इंडियन प्राइवेट, जितने भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड कमेटी के लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके लिए रिव्यू करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा करंट अफेयर पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।